आज मैं आपको गाड़ी में लगने वाले पुराने टॉवल से जो किसी काम की नहीं रहती है उससे मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें ये कुछ बचे हुए ऊन चाहिए, सीजर चाहिए और एक ये 5 नंबर की निडल चाहिए जिसकी नोक नुकीली हो। इसके लिए सबसे पहले टॉवल शीट को 2 लेयर में रख लेना है। अगर आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं इस पोर्शन को, या फिर साथ में रख सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग साइज के अनुसार ये कट कर ले चारों तरफ से। फिर ये हमें 2 तरफ से सिलाई लगा लेनी है और एक तरफ ये हमारा खुला रहेगा और एक पोर्शन तो ज्वाइंट है, उसे कुछ नहीं करना है। और फिर खुले पोर्शन से लेके हम इसे उलट देंगे, उलट के सीधा कर लेंगे। वे नीडल में ऊन को डालना है और फिर इस तरह से रनिंग स्टिच में सिलाई लगा लेनी है। एक बार चारों तरफ से सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखें अच्छे से बराबर से खींच के बराबर कर लें। इडल थोड़ी मोटी और बड़ी है इसलिए बहुत ध्यान से लगाना है, इसे हाथ में चुभे ना, सावधानी रखते हुए काम करना है। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ये इस तरह से चारों तरफ से 2 लाइन कंप्लीट हो गया। अब आप इसे चाहें तो डबल फोल्ड कर लें, बीच से डबल फोल्ड कर सकते हैं या फिर इसे 2 लेयर में ही रख सकते हैं। और 4 लेयर में रखना है तो बीच से फोल्ड कर दें और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा दें रनिंग स्टिच में दोनों साइड से, जिससे कि ये बराबर से दिखे। ये इस तरह से बीच से लगा देने के बाद ये फिर हाफ हाफ हो जब बढ़ जाएगा और आप इसे फोल्ड कर दें। ये यहाँ बीच से लगा देने के बाद ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा और आप इसके बाद फोल्ड कर देंगे तो 4 लेयर का ये आपका डोरमेट बन जाएगा। फिर दूसरी तरफ से यहाँ से लगा दें, ये दूसरी लाइन कर दें। अब आप चाहें तो एक एक कलर से ही बना सकते हैं, पूरा इसी तरह से फिल कर सकते हैं रनिंग स्टिच में, या फिर अलग अलग कलर यूज़ करके फिल कर सकते हैं। आप इसे इसके अंदर अगर आप 2 लेयर में चाह रहे हैं तो इस तरीके से पूरा लंबा रहने दीजिए, नहीं तो आप इसे बीच से फोल्ड कर दीजिए। ये निशान जो लगा हुआ वहाँ से बीच से क्रॉस कर दीजिए, डिज़ाइन डाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ लाइन में कर दिया है अलग अलग कलर से, जो कि सुंदर लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी तरह भी कर सकते। अब मैं यहाँ से डबल कर दे रही हूँ जिसके कारण ये 2 लेयर पहले का और 2 लेयर नीचे का करके 4 लेयर हो गया, जिसकी मोटाई अच्छी खासी हो जाती है। अब मैं इसके दूसरे दोनों सिरे को पकड़ के ब्लैंकेट स्टिच से अटैच कर दूंगी, जिसके कारण ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ब्लैंकेट स्टिच मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं ब्लैंकेट स्टिच डालने का स्टेप। इस तरह घर में पड़े हुए बेकार चीज़ों से ये देखिए कितना सुंदर सा मैट तैयार हो गया, ये डोरमेट। अब मैं इसी टॉवल के बचे हुए टुकड़े से राउंड में डोरमेट बताने जा रही हूँ। इसके लिए आप राउंड कोई ले ले प्लेट वगैरह और इसे ड्रॉ कर लें, ड्रॉ करके इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और फिर ड्रॉ करने के बाद कट कर लेना है चारों तरफ से, राउंड में कट कर लेना है। ये इन दोनों पीसेस के ऊपर ये देखिए, ये दोनों पीसेस के ऊपर 2 पीस और लगाना है जो पुराने कपड़े का है। ये टॉप का पुराना पीस है जो इसे भी राउंड में कट कर लिया गया है दो पीसेस में, और ये कि अलग से फिर 2 पीसेस जो होली के रंग लगे हुए कपड़े हैं बेकार से, दोनों को दो पीसेस चार पीसेस ये और ये 2 पीस 6 पीस हुए। इन सारे पीसेस को राउंड में अटैच कर लेना है। इसमें इस तरीके से राउंड में अटैच कर लेना है, थोड़ा सा खुला भाग छोड़ना है। ये सबसे पीछे सबसे नीचे ये टॉवल का 2 पार्ट रखना है, फिर ऊपर से ये दोनों पार्ट रखना है और फिर इसे सीधा कर लेंगे तो हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। और
अब हमें बीच में छोटा सा गोल प्लेट लेके राउंड में सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब एक पेपर लेना है और लीफ के साइज शेप में काट लेना है। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह का काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, और इसे सेंटर में रखते हुए ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अब ड्रॉ करने के बाद हमें ये यहाँ पे फिर रनिंग स्टिच से ये सारे आउटलाइन बनाने हैं, इसमें फिल करने हैं इस तरीके से। यहाँ भी आप अपना अपने चॉइस से कलर दे सकते हैं, या तो सेम कलर से, कंट्रास्ट कलर से, या अलग अलग, जैसा हो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखिए ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल रेड। ये तीसरे तरह का डोरमेट है जिसे मशीन से बनाया गया है। इसे बनाने का तरीका मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट तीन तीन डोरमेट आपके बनके तैयार हो गए, जिसमें कोई भी मेहनत नहीं है, किसी भी तरह का कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ है, सब घर में बचे हुए सामान से बना है और बिल्कुल रेडीमेड की तरह है। कोई नहीं कहेगा कि घर में बना हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।